शादी और पार्टीज में बनने वाली आलू गोभी, आज वो लेकर आए हैं हम। चलिए देखते हैं उसका फुल प्रोसीजर। कढ़ाई में एक फुल लेडल भर के हम डाल देंगे ऑयल। अच्छे से वॉश की हुई और कटी हुए आलू गोभी और धनिया पत्ती, यहाँ पर आलू गोभी को सेमी फ्राई कर रहे हैं हम एक तरह से। करारी आलू गोभी बनाने के लिए सबसे पहले थोड़ी सी आंच को तेज रखेंगे, फिर उसे सिंपल कर देंगे। सब्जी सारी तरह से पक जाए इसलिए उसको हिलाते रहिए बीच बीच में। जब तक आलू और गोभी थोड़े तैयार हो रहे हैं, कद्दूकस कर लीजिए प्याज को, अदरक भी ग्रेट कर लीजिए इन दोनों को। लहसुन का फ्लेवर भी आ जाए इसमें, इसको भी ग्रेट कर दीजिए। अब ग्रेट हो गए हैं अदरक लहसुन और प्याज। इस वक्त पर डाल दीजिए एक चम्मच सॉल्ट भी, साथ ही ऐड कर दीजिए हींग भी आधा चम्मच। साथ साथ ग्रेट कर लीजिए टमाटर्स को भी, यानी कि टमाटर एक से दो। जैसे कि आप जानते हैं कि हमें मसाले को भी तैयार करना है, तो अभी इस वक्त डाल दीजिए हल्दी, रेड चिली पाउडर हाफ टेबल स्पून भी ऐड कर दीजिए। आप यहाँ पर डाल दीजिए हमारा ग्रेट किया हुआ अनियन, टमाटो, गार्लिक और जिंजर, यानी अदरक लहसुन प्याज और टमाटर। अब ऐड कर दीजिए टमाटोज। बहुत ही सावधानी से इसको मिला दीजिए, मिक्स कर दीजिए। यहाँ पर ऐड कर दीजिए हाफ चम्मच किचन किंग, भुना जीरा हाफ टेबल स्पून, आखिरी में अमचूर पाउडर हाफ टेबल स्पून। यम, लीजिए अब रेडी हो गई है लजीज आलू गोभी की सब्जी। कटा हुआ धनिया ऊपर से, इसको सर्व कर सकते हैं लच्छा परांठा के साथ या फिर ब्रेड ऑफ योर चॉइस। मज़ा आ जाए खाकर। यम्मी रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड कमेंट।